आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, आंखों में देख रहा है एकदम दर्द भी है आंखों में अंदर से, मैं पागल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, वेलकम टू माय चैनल, स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक हैं गाइस। और मैं यश को छोड़ने आई थी ट्यूशन, अब जा रही हूँ घर। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं। सब्जी वाले भैया से सब्जी ले लेती हूँ मैं, तो यहाँ पर लगाए रखते हैं सब्जी, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ, नहीं तो बाद में आना पड़ता मुझे। तो रास्ते में सब्जी वाली भैया थी, तो देखो ले ली मैंने सब्जी, पालक और हरी प्याज, मुझे ज़रूरी थी, मतलब मुझे बनाने हैं पकौड़े। मैं आ गई अपने घर, ये रेडी हो रही है, आज जाएंगे काम पे तो साइकिल रेडी कर रहे हैं। अभी सिर्फ चाय नाश्ता हुआ है मेरा, हस्बैंड का, बच्चों का रह गया, अभी स्कूल भी जाना है इसको, एक घंटे बाद अभी लेने भी जाना है, और उसी बीच मुझे खाना बनाना है बीच बीच में, तो हम ज़्यादा है फटाफट से करती हूँ। ये दाल मैंने रात को भिगो के रखी थी, अब इसका क्या करना है वो मैं आगे आपको बताती हूँ। दाल पकने के लिए रखी, और ये सब्जियाँ जो लेके आई थी धुल के इन्हें कट किए, बाकी दाल रखी थी इसको धुल के मैंने रखी है, बस एक घंटा हो गया, और बस हो गया ये इसको लाने का टाइम। तो बीच बीच में ये भी करती जा रही हूँ, खाना पीना भी बनाती जा रही हूँ, चलने का टाइम है, और गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे रही है कूड़े वाली, अब देखते हैं आ जाएगी तो ठीक है, नहीं तो वाली गाड़ी ना अभी गई है। मैं सोच रही हूँ जब तक लेवा के यस को घर चली जाती हूँ, तो जल्दी से ले लेती हूँ यस को। और यस को मैंने आवाज़ दी तो मैम ने बोला बस 2 मिनट, तो मैं आराम से जीने में बैठ गई, वैसे भी चल के आई थी थक गई थी, लेकिन जो सामने का व्यू दिख रहा था गाइस वो बहुत ही सुंदर था, मैंने सोचा शूट कर लेती हूँ। तो यस को ले लिया मैंने ट्यूशन से, अब जा रहे हैं घर। गाड़ी आ रही है यस, मैंने कूड़ा नहीं फेंका, ये रखी है बाल्टी। तो यस को मैं लाने चली गई, उतने देर में गाड़ी निकल गई आगे, तो मैं जा रही हूँ आगे, है गाड़ी तो डाल के आ गई मैं कचरा। इसके बाद ये दाल जो रखी थी तो वो मैं अच्छे से पीस लेती हूँ। दाल मेरी सारी पीस के रेडी हो गई है, और पीसते पीसते मेरी कमर टूट गई दाल पीसते पीसते, अब इसका क्या करना है वो भी बताती हूँ। आधा तो मैं इसमें डाल दूंगी जो कि पकौड़ी बना लूंगी, बाकी दाल की मैं बनाने वाली हूँ बड़ी, वो भी धूप में। देखो मेरी दाल भी पक के रेडी हो गई है, चावल भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस मैं थोड़ा सा एकदम धीमी आँच में ढक के रखी हूँ ताकि वो खिले खिले हो जाए। गर्मी इतनी तेज है ना, मतलब उमस वाली गर्मी है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और आज काम भी मुझे बहुत ज़्यादा है, क्या था ना कि हस्बैंड घर पे थे और फिर अचानक फ़ोन आ गया उनका, तो उनको जाना पड़ा है, तो मैंने पहले सोचा कि थोड़ी हेल्प हो जाएगी, पर अब अकेले ही करना पड़ेगा तो ज़्यादा भार आ गया, मतलब स्कूल भी अभी मुझे ही जाना पड़ेगा, ट्यूशन भी देखा आपने। मैं एक करवाना है फ़ोटो कॉपी, तो उसको मैं भूल गई थी, वो जा फटाफट से जा रही हूँ, फिर स्कूल जाना है इसको। आज तो मैं पागल हो जाऊँगी सच्ची में, ये देखो फोटो कॉपी कराने जाना था, मेरा आधा घंटा ख़राब हुआ, और रोटी भी अभी मेरी बनी नहीं है, और यस को जाना छोड़ने, बहुत काम है यार आज, कभी कभी हो जाता है। तो यस का स्कूल का टाइम हो गया, मैंने रिक्शे वाले भैया को बुला लिया, तो वो आ गए हैं, और अब जा रही हूँ मैं यस को छोड़ने। और ये देखो रिक्शे में कितनी दचकी लग रही है, भीड़ भी होती है ना इस टाइम, स्कूल का टाइम होता है, फिर उसी रिक्शे से रिटर्न आ गई मैं, क्योंकि मुझे जल्दी था। और ये देखो घर में आ गई, लेकिन गाड़ी खड़ी रहती है तो मैं थोड़ा आगे उतर गई। तो आ गई गाइस मैं घर, लेकिन एक प्रॉब्लम और आ गई, मतलब मैंने जो दाल भिगो के रखी है मुझे धूप में डालनी थी, मौसम हो गया सडनली चेंज, मतलब पूरे में बादल है, आप कैसे डालूंगी मैं बड़ी, बताओ कैसे सूखेगी वो, आंधी भी आनी चालू हो गई, पूरे में बादल हो गया, मौसम चेंज हो गया, दिख रहा है आपको पूरे में वाइट वाइट एकदम धुआं जैसा छा जाता है ना, मतलब आंधी वाला उस तरीके का है, और वो उधर मतलब बादल है। मैं पागल, अभी रोटी बनानी है मुझे, दोपहर हो रही है। मैंने टिफिन में ना चावल और दाल दे दिया है, मुझे रोटी बनानी है, देखो पकौड़ी बनानी थी तो वो बना के मैं रख गई थी, 2-4 वो भी दिए मैंने इसको, तो चलो बर्तन इधर इकट्ठे होते जा रहे हैं, रोटी बना लेती हूँ। सबसे पहले बैठ के मैं आराम से पानी पीने लग गई, क्योंकि बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, फिर इसके बाद ये दाल की हालत देखो हवा में किस तरह की सूख रही है, तो इससे पहले और भी ज़्यादा सूख जाए मैं इसका बना लेती हूँ बड़ी। और इसमें डाल देती हूँ लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर, और ये मिक्स मसाले बहुत छोटे छोटे डाल रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा ही है, और ये नमक, सारी चीज़ों को कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स,
ताकि ये सारे मसाले अच्छे से मिल जाएं। और ये परांठे तो इसमें सारे छोटे छोटे पीस मतलब डालूंगी मैं, ज़्यादा बड़े नहीं मैंने साइज़ के करे हैं, तो इस तरीके से परांठे में ही डाल दूँगी क्योंकि ज़्यादा मैंने क्वांटिटी ली नहीं है। आधे एक मैंने पकौड़े बना ली क्योंकि बादल हो रहा था, मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो जाए। इसके बाद ये देखो रोटी भी बना के रख दी मैंने और ये ढक के रख देती हूँ। तो लंच तो बन गया, सभी लोगों को बस खाना है, तो ये रख देती हूँ और मैं बड़ी को बाहर सुखाने ले जाती हूँ। तो एक जगह थोड़ा कोने में धूप दिख रहा है मुझे, आ जा रहा है, मतलब बादल भी है और इस तरफ धूप आ रहा है, तो यहाँ पे रख देती हूँ। लेकिन झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि रोड के किनारे का है ना, तो बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। ये पड़ी है ना, थोड़ा सा धूप रह गया इधर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसमें ढक देती हूँ कपड़ा। देखो जाली वाला दुपट्टा मैंने ढक दिया है ना, धूप भी लगती रहेगी और मिट्टी भी नहीं होगी, ये सूखती रहेगी। और देखो भंडारा ना उधर हो रहा है और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं वहाँ जाके लेके आ जाऊँ, लाइन लगी है तो टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा काम, जो कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, है ना। मेन चीज़ है कि वैसे रोज़ रहता है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है, आज मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। कितने सारे फूल झड़े हैं, तो क्या है ना कि आज मेरे मतलब कि दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कोल्ड है, हल्का बुखार है और गले में खराश है ना, एकदम थकान जैसी है, मेरी आंखों में दिख रहा है, एकदम दर्द भी है आंखों में अंदर से, मतलब थोड़ा सा गर्माहट है ना, तो सिर में भी दर्द है, इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। नहीं तो इतना काम तो मैं करती रहती हूँ, मेरा रोज़ के काम है आना जाना। अभी कुछ दिन से छुट्टी थी हस्बैंड की, नहीं तो मैं ही करती हूँ, लेकिन अभी मुझे अंदर सफाई करनी है कमरे की और बर्तन धोने हैं, किचन स्लेप साफ़ करने हैं, कपड़े धोने हैं, कूलर में पानी डालना है, टॉम जेरी को खाना देना है, नहाना है, बहुत सारा काम है। तो उससे पहले कि और देर हो जाए ये काम पूरा समेट लूँ, नहीं तो शाम हो जाएगी मुझे लंच करने में। तो चलिए ये ब्लॉग तो मुझे एंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।